अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखें हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। सना को मालूम है कि तुम वापस आ गए हो? नहीं आंटी, मेरी अभी बात नहीं हुई। वैसे साथ तुमने बहुत गलत किया कि सना को इस तरह अकेला छोड़कर दुबई चले गए। कहाँ छुपी रह सकती है ये बात, लाख पर्दा डालो लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं। आपकी जिंदगी खुली किताब की तरह बिया के सामने, शौहर छोड़ के चला गया, बेटी बाप को तलाश करती रही और कुर्बानी का बकरा कौन बना? अदनान। परवेज मलिक राव साहब के वफादार साथी तुम्हारे तो बहुत करीब रहे हैं वो। तुम इतनी बेवफा तो कभी नहीं थी कि सब कुछ ही भूल जाओ। यहाँ इसलिए बुलाया था कि मैं NGO दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ और उसमें मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। यू नो, खान साहब की कॉल आ गई है, मुझे चलना चाहिए। परवेज मलिक, कितना चीप नाम है। ओह, तो आप यहाँ खड़ी होके मेरी जासूसी कर रही हैं। मुझे तुम्हारी जासूसी करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे करतूत तो सारे शहर में फैले हुए। जिन जिन लोगों से धोखा कर चुकी हो उनके पैगामात तो घर पर आना शुरू हो गए। कितनी चीप औरत हो तुम। लोग झूठ भी बोलते हैं और परवेज मलिक भी उन्हीं में से एक है। जिसकी जहां रसाई नहीं होती ना, वो वहां झूठ बोलकर अपने दिल को तसल्ली दे लेता है। वो तो खैर उससे मिलने के बाद पता चलेगा कि दिल को तसल्ली कौन दे रहा है। ओह, तो आपको परवेज मलिक से मिलने का शौक है। मिलिए, जरूर मिलिए, हो सकता है उससे भी मिलकर आपको कोई फायदा हो जाए। फायदे और नुकसान का कारोबार तो तुम्हारा है बिया। अपने फायदे के लिए लोगों को फंसाना और जब तुम्हारा फायदा निकल जाए तो उनसे ताल्लुक खत्म कर लेना। इस छोटी सी बात को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बहन जी, अपने काम से काम रखिए, समझी? परवेज मलिक। आप खुद को इस तरह अजियत क्यों दे रहे और मेरे लिए इतने परेशान? आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है? एक फोन कॉल, बस सिर्फ एक फोन कॉल और उसके बाद मुलाकात और इतनी परेशानी। दुनिया में आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते, तो आप ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि आप इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं? दरअसल आपको सादिया याद आती है क्योंकि आप ये समझते हैं कि सादिया ने आपके साथ बेवफाई की। आप मुझ में सादिया को तलाश करने की कोशिश करते हैं। आप तो मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं। आप मेरे लिए इतने परेशान थे और मैं इग्नोर पे इग्नोर कर रही थी और आपका मुझ पर इस तरह गुस्सा करना बिल्कुल जायज था, लेकिन मुझे उस लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इंसान कभी कभी खुद को या किसी दूसरे को आजमाने के लिए भी इस तरह की सूरत हाल पैदा करता है।
कि शायद मेरा कोई ताल्लुक है वकार अहमद से, लेकिन बाद में पता चला वो तो खुद एक ताल्लुक बनाने आए थे सना से। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत? आप फोन पर कुछ गुस्से में लग रहे थे। वकार साहब, मैंने आपको रायमा का केस लड़ने के लिए हायर किया था। रही बात समीना आंटी और सना की, तो वो बिल्कुल मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप बेशक ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मुझे इस तरह बताने की वजह समझ में नहीं आई। आपने समीना आंटी को बड़ी अजीब तरीके से एंगेज कर लिया। क्या आप उनके शौहर को जानते हैं? इसमें अजीब क्या है, मैं वाकई उन्हें जानता हूँ। जब आप जानते हैं तो फिर उन्हें बता क्यों नहीं देते कि वो कहाँ हैं? इतनी जल्दी क्या, बता दूंगा साथ साहब। देखिए वकार, सना को उस वक्त तक बिल्कुल कुछ नहीं बताया जा सकता जब तक कि आपकी बात पर यकीन ना कर लिया जाए। मैं तो आपको काफी समझदार आदमी समझता था साथ साहब। मेरा ख्याल है कि आप दुबई से वापस आने के बाद सना से अभी तक मिले नहीं हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब है, तभी तो बोल रहा हूं। मैं सना को बता चुका हूं। व्हाट? जी देखिए वकार साहब, आप हमारे जाती मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। कौन सा जाती मामला साथ साहब? सना और उसकी वालदा के साथ अब मेरा भी एक रिश्ता बन चुका है। इस मामले को आप जाती मामला कैसे कह सकते हैं? ओह, इसका मतलब है कि बिया बिल्कुल सच कह रही थी। अफसोस क्या आपने किस मौके पर किस औरत का नाम ले लिया। मिस्टर वकार, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आइंदा के बाद आप उस घर में कदम ना रखें। अंडरस्टैंड? खुदा हाफिज। अच्छा, तो बिया थी। बिया, थैंक यू। और सुनाओ ना, इतने अरसे बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस वो मसरूफियत इतनी होती थी, टाइम ही नहीं मिलता था, इसीलिए सबसे मिलना जुलना कम ही रहा। हाँ भाई, मसरूफियत का तो पूछो मत, साल तो जैसे महीनों की तरह गुजर रहे हैं। एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो असल में मुझे घर रेंट पे चाहिए था। एक बार आपने ही जिक्र किया था कि अगर जरूरत हो तो आप कुछ हेल्प कर सकती हैं। हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन है ना, उस वक्त मेरा ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट नहीं हुआ था। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी न किसी से बात करके तुम्हारे मसला हल करवा दूंगी। तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना? जल्दी तो है, असल में जिस घर में मैं रह रही हूँ वो किसी और का है, जल्द से जल्द खाली करना है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक आध दिन में कुछ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
एक्सक्यूज मी। हैं आप, या फिर शायद आपको मेरी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो बिया ऐना थोड़ी परेशान है। अच्छा, अगर बुरा ना लगे तो मुझे बता सकती हैं क्या बात है? हाँ, वो थोड़ा घर के सिलसिले में परेशान है। मेरा मतलब है रेंट पे चाहिए उसे, इसी सिलसिले में वो आई है यहाँ पर। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है मिसेस खान, अगर इन्हें मुनासिब लगे तो घर का अरेंजमेंट मैं कर दूंगी। इनफैक्ट मेरे पास एक घर है जो काफी अरसे से खाली है, फर्निश है, मेरे ख्याल से एक फैमिली आसानी से रह सकती है। आई एम सॉरी बट मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। अरे ऐसा मत कहो ना, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, मिसेस खान है। अगर तुम मिसेस खान की दोस्त हुई तो फिर मेरी भी दोस्त हुई। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम ऐसा करो, एक दो दिन में कांटेक्ट करके मेरे पास आ जाना। जी जरूर। अब मैं चलूँ? श्योर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वैसे अच्छी लड़की है ना, मेरी एनजीओ के लिए काम करेगी क्या? हाँ हाँ कर लेगी। वैसे शायद इसके अच्छे रिलेशन है वकार अहमद से, बहुत अच्छा वकील है और तुम्हारे काम भी आ सकता है। ओ वकार अहमद। एक मिनट रोकना। एक्सक्यूज मी, आप जारा कहाँ जा रही हैं? आप आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज आइए बैठिए। चलो भैया। आप यूं ही टैक्सी में सफर करते हैं? जी हाँ। क्यों, आप गाड़ी क्यों नहीं लेते? गाड़ी मुझे रास नहीं आती है। कमाल की बात है, आजकल के इस दौर में आप जैसा शख्स कह रहा है कि गाड़ी मुझे रास नहीं है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत बड़े वकील हैं, फिर भी ऐसी बात। पढ़े लिखे होने या वकील होने से रास आने के क्या ताल्लुक? गाड़ी तो बस एक सवारी है। वही तो सवारी है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी एक गाड़ी है और हम इसमें बैठे हैं, बस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एनीवेज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए?
यूं इस सवारी में मुझे ऑफिस तक छोड़ने का? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था कि आप नजर आ गए, और चूंकि मैं आपको जानता हूँ इसलिए मेरा अखलाकी फर्ज बनता था कि मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ जा रही हैं और ड्रॉप करती हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद इसीलिए ना आपकी फैन है। आपकी एना से मुलाकात हुई थी? जी हुई। कुछ बात बनी? पता नहीं, शायद बन जाएगी। मुझे भी मिलना है उससे। फोन क्यों बंद है? पता नहीं हैना का फोन क्यों बंद है। कोई वजह होगी, ऑन हो जाएगा। कहाँ थी तुम इतनी देर से? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ और तुम्हारा नंबर ऑफ है। फोन बंद नहीं किया था यार, बैटरी डेड हो गई थी और फिर सारा दिन उसी चक्कर में लगी रही। ऐसा कौन सा चक्कर है? वो मैं तुम्हें बताया नहीं, अभी बता रही हूँ। मैं जमशेद का घर छोड़ रही हूँ। क्यों? क्या मतलब? उसने ये घर मुझे दिया था जब हम साथ थे, अब हम अलग हो गए हैं तो उसे वापस कर रही हूँ। लेकिन घर तो तुम्हारे नाम पे है ना? हाँ। तो फिर वापस करने की क्या जरूरत है? उसने तुमसे कहा है कि उसका घर है, वापस दे दो? नहीं, उसने कहा तो नहीं, वो वैसे भी किसी काम से इस्लामाबाद गया हुआ है। सोची थी उसके वापस आने से पहले पहले घर खाली कर दूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात की? नहीं, बस वो एक जानने वाली आंटी है, मिसेस खान, उनसे बात हुई थी। जल्दी ही कुछ इंतजाम हो जाएगा, और वैसे भी उनकी कोई फ्रेंड आई हुई थी वहां पे, बिया नाम था उनका, वो कह रही थी कि घर का इंतजाम कर देंगी। अच्छा, देख लेना है ना, बिया कौन है, कैसी है, पता करा लेना पहले। पता कराने की क्या जरूरत है? वो अगर मुझे घर दे रही है तो मैं उसका रेंट पे करूंगी। I'm not asking her for favors. चलो तुम बैठो, मैं कुछ ठंडा लाती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो। हेलो आयना, बिया बोल रही हूँ। बिया? बिया जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानती हूँ तुम्हें मिसेस खान के घर देखा और ऐसे लगा जैसे कोई अपना सा हो, मासूम भोली भाली सी। और जब से तुम्हारी प्रॉब्लम सुनी है, यकीन करो मैं बहुत परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया बिया जी कि आप इतना भी सोचती हैं, वरना आजकल कहाँ लोग किसी के लिए इतने हमदर्द होते हैं। दर्द दिल रखना और बात है ना, और किसी के काम आना और बात। मेरी इतनी हैसियत तो है कि मैं किसी के काम आ सकूं, इसीलिए मैंने सोचा मेरा घर बंद पड़ा है तो मैं तुम्हें दे दूं रहने के लिए। जी अगर हो जाए तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ शर्त। कहिए। तो मुझे रेंट पे नहीं करोगी, बल्कि ये समझना कि ये तुम्हारी बड़ी बहन का घर है। जी तुम हैरान हो रही हो ना? बहुत। कल सुबह आओ, फिर बात करते। एड्रेस? Thank you.
वेलकम साद साहब। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। खैरियत? आज आप मेरे घर में? भैया, I'm so sorry. मैं आपको गलत समझता रहा। चले, किसी ने तो बिया को सही समझा, वरना तो हर कोई बिया को गलत ही समझता रहता। अगर मैं आपको गलत समझता तो आपकी तरफ क्यों आता? कहिए, क्या कर सकती हूँ आपके लिए? आपको याद है एक बार आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था? कैसे भूल सकती हूँ मैं? आज मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा था। मुझे पूरी उम्मीद है आप एक अच्छे दोस्त साबित होंगे। I'll try. लेकिन सना? सना? भैया, सना अपनी जिंदगी में मगन है। उसने कभी मुझे कुछ समझाया नहीं, लेकिन मैं हमेशा उसका साथ देता रहा। लेकिन उसने कभी भी मुझे काम दोस्त से ज्यादा अहमियत नहीं दी। सो डोंट वरी। ये सब उसने अपनी माँ से सीखा है। इनके लिए कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं। खैर, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। थैंक यू। आओ वकार, आओ बैठो। शुक्रिया। और बताओ कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है आंटी, लेकिन ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि सब ठीक तो है। क्या मतलब? मैंने सना को बता दिया था कि मैं उसके वालिद को जानता हूं, और ये सोच रहा था कि उसका कुछ रिएक्शन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, कब बताया तुमने उसे? 2-3 दिन हो गया। उसने आपसे कोई बात नहीं की? नहीं, उसने मुझसे तो कोई ऐसी बात नहीं की, बस 2-3 दिन से बहुत चुपचाप सी है। सुबह चली जाती है और शाम को वापस आ जाती है। कहाँ चली जाती है? वो ऑफिस। हो सकता है कि वो आपसे कोई बात ना करना चाह रही हो। ऐसा नहीं है वकार, मैं सना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही होगी। मुझे लगता है कि वो गिल्टी फील कर रही है, जो कुछ उसने तुमसे कहा या जो बातें उसने मुझसे बोली हैं, इसी वजह से वो शर्मिंदा है। शायद ऐसा ही हो, लेकिन उसे बता देना ही बेहतर था। अब तो तुमने उसे बता दिया है ना, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे उनसे कब मिलवा रहे हो। आंटी, मेरे इतना काम तो मुकम्मल हुआ, अब मैं बहुत जल्द आपकी उनसे मुलाकात भी करवा दूंगा। बहुत जल्द कब? दिन तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द। सना ने कोई बात की? वो हैरान थी, शायद बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक नई डेवलपमेंट हुई है साहब। वो क्या? ये घर मुझे राव साहब ने गिफ्ट किया था, काफी अरसे से बंद पड़ा था, लेकिन आज ही मेरे काम आ गया। आप इसे सेल आउट कर देते हैं? नहीं, मैं इसे सेल आउट नहीं कर रही, रेंट आउट करूंगी। तो इसमें अनोखी बात क्या है? अनोखी बात है साहब। वो क्या? क्योंकि मैं जिस ये घर रेंट आउट कर रही हूँ उसका नाम ऐना है। ऐना वो लड़की है जो वकार अहमद के काफी करीब है। तो ऐना के जरिए आपको वकार अहमद की असलियत का पता चल जाएगा, राइट? हाँ, मुझे ये तो पता है कि वकार अहमद वहां क्यों आता है,
लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि वकार अहमद मेरी समधन समीना अहमद के साथ मिलकर क्या प्लान बना रहा है। मैं वकार अहमद को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ, लेकिन वो इंतहाई चीप आदमी निकला। मेरे दुबई जाते ही उसने आंटी और सना से मरासम बढ़ाने शुरू कर दिए। मुझे लगता है उसके इरादे कुछ और हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा। और भैया, यही सना की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो सना में इंटरेस्टेड है और बहाने बना रहा है सना के वालिद को जानने का। लेकिन इसमें वकार अहमद का कोई कसूर नहीं। ये बात तो सना को समझनी चाहिए। उसको तो ये भी पता नहीं है कि मैं दुबई किस काम से गया था, या शायद अब उसे मुझसे कांटेक्ट करने की कोई दिलचस्पी नहीं रही। अरे साद साहब, जब इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो ऐसा होता है, हो जाता है। वकार अहमद को तो मैं रोकूंगा। कैसे? जस्ट वेट एंड वॉच, बस तुम देखती जाओ, रोक लूंगा मैं उसे। आंटी, साथ दुबई से वापस आने के बाद सना से मिला क्या? नहीं। और आपने सना को बताया भी नहीं अभी तक कि साथ दुबई से वापस आ चुका है? नहीं, मैंने उसे इसलिए नहीं बताया कि साथ उसे खुद बताए, उससे मिले ना। वो बताएगा ना ही वो सना से मिलेगा। क्या क्या मतलब? एक्चुअली साद मेरे पास आया था, काफी गुस्से में था। साद गुस्से में था, मगर क्यों? मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, लेकिन वो मुझ पर शक कर रहा। उसने मुझे राइमा के केस के सिलसिले में हायर किया था। अब मैं उसके जाती मामलात में दखल अंदाजी कर रहा हूं, ऐसा उसका कहना है। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर सना को पता चलेगा तो? आंटी, मुझे एक बात बताएं आप, आखिर आप सना से इतना डरती क्यों? कि सना को पता चल जाएगा तो ये हो जाएगा, सना को पता चल जाएगा तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बताएं उसको, उसको बताएं कि उसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। आपके इसी डर की वजह से आपके शौहर आपको छोड़कर चले गए थे, और आज यही रवैया आपका अपने बेटे के साथ है। क्या हो गया आपको? क्या कर रही हैं आप? I'm so sorry कि मैंने आपसे इस तरीके से बात की। देखिए आंटी, सना आपकी बेटी है, समझें इस बात को। अगर आज वो कुछ बातों का मतलब गलत अखज कर ली थी तो यही बातें आगे जाके क्लियर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खास तौर पर साद, साद के बारे में बताएं सना को। वो नबिया को आप अच्छी तरीके से जानती हैं, वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज अस्सलामुअलैकुम मिस्टर साद। मैं यहाँ आंटी से मिलने आया था। वकार, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे जाती मामलात में दखलंदाजी मत करो, वरना 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 क्या? हाँ, वरना क्या कर लोगे तुम? बोलो ना, वरना क्या कर लोगे तुम? बोलो। यहाँ कुछ नहीं, ये बात हम कहीं और डिस्कस करेंगे। ये किसी का घर है,
मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत? अगर इज्जत करते होते तो इस तरह बिहेव नहीं करते थे। इन लोगों की बातों पर बिलीव करने की बजाय बिया की बातों पर बिलीव नहीं करते तुम। इसे इज्जत करना नहीं कहते मिस्टर साद। मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ सना की हेल्प करने के लिए यहाँ आया। मुझे क्या पता था कि मेरी इनसे पुरानी जान पहचान निकल आई। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। मुझ पर शक करना छोड़ दो साद, और बिया की बातों पर यकीन करना भी। मैंने कहा ना, यहां ये बात नहीं हो सकती, और बाकी जो कुछ भी है वो हम कहीं बाहर डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने देख लिया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोग बदनाम हो जाएंगे जिनसे तुम अपनी जान पहचान के इजहार कर रहे हो। और रही बात मुझे किसकी बात पे यकीन करना है और किसकी बात पे नहीं, या फिर किस पे शक करना है और किस पे नहीं, इस बात का फैसला तुम नहीं मैं करूंगा। सो यू मे गो नाउ। वालेकुम अस्सलाम। आओ है ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये घर आई होप तुम्हें पसंद। पसंद? ये तो बहुत बड़ा है। I don't know, मैं इसका रेंट कैसे अफोर्ड करूंगी। एना, मैंने कहा था ना, तो मुझे रेंट नहीं दोगी और मुझे अपनी बड़ी बहन समझोगी। I'm sorry, लेकिन मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं। समझाती हूँ, बैठो आओ। थैंक यू। ऐना, मेरी जब से तुमसे मुलाकात हुई मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरी भी किसी ने मदद की थी तो मैं आज यहाँ पहुंची। आज तो मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो तुम खुद देखना एक दिन तुम्हारे पास भी ये सब कुछ मौजूद होगा। थैंक यू सो मच भैया जी, लेकिन मुझे अब इन चीजों का कोई शौक नहीं रहा और घर बदलना मेरी मजबूरी है। तुम यहाँ रह सकती हो बगैर किसी परेशानी के, बस एक बात का ख्याल रखना। कौन सी बात? किसी को पता ना चले कि ये घर मैंने तुम्हें दिया। तुम्हें तो पता है ना कि मैं एनजीओ चलाती हूँ, और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन्हें घर अरेंज करके दूँ। अब तुम मेरी मजबूरी तो समझ सकती हो ना। ठीक है, आप फिक्र ना करें, ये बात आपके और मेरे दरमियान में रहेगी। और वैसे मैं कब शिफ्ट हो सकती हूँ यहाँ? तुम चाहो तो आज से। थैंक यू सो मच। ओह समीना बहन, आज घर में कोई मसला हुआ क्या? जिस घर में तुम्हारी जैसी औरतें हों वहाँ मसले नहीं, मसाइल होते हैं। मैं तो घर पे मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझे मासी ने बताया कि आज घर में फसाद होते होते रह गए।
या तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस घर में फसाद नहीं होगा। और देखना, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। साद और वकार को मैंने यहाँ नहीं बुलाया था और ना ही मेरा उनसे कोई ताल्लुक है। वो यहाँ आए थे सिर्फ आपकी वजह से और झगड़ रहे थे सना की वजह से, और आप कहते हैं ख्वाहिश मेरी है। वो दो लोग जिनके बारे में तुम जिक्र कर रही हो, वो हमारी फैमिली के हैं और फैमिली मेंबर्स में अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इख्तलाफ हो जाता है। इसको झगड़े का नाम देकर अगर तुम्हें खुशी होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बातों में आपसे जीतना बहुत मुश्किल है, ये मैं जान चुकी। और रही बात खुशी की, तो मुझे खुशी नहीं दुख हो रहा। राव अदनान की बीवी के लिए दो मर्द खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं, बड़े अफसोस की, और वो भी इस घर में। तो तुम यहाँ से चली जाओ ना, ताकि तुम्हारे दुख कम हो सके। और हाँ, साथ को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जो काम भी करेगा बहुत सोच समझ के करेगा। और अगर तुम ये समझ रही हो कि साथ तुम्हारी बातों में आ चुका है, ये तुम्हारी इंतहाई गिरी हुई सोच है। आपको क्या पता समीना बहन कि साद आपसे कितनी दूर जा चुका। इतना बड़ा घर है, I'm sure, काफी रेंट होगा। एक मेहरबान है जिन्होंने फिलहाल ये जगह रहने के लिए दी है। साद आया हुआ है। अच्छा, तो क्या करूं? ये क्या बात हुई कि तुम क्या करो, आओ उससे आके मिल लो। क्यों रुक गई ना, साद का नाम सुनते ही रुक गई। हाँ, मैं साद से मिलने जा रही हूँ। अब उसने इतनी चाहत से बुलाया है तो इनकार तो नहीं कर सकते। हेलो, आप मेरी तरफ आ सकते हैं? ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। तो मैं मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलो। क्योंकि सना तुम्हारी बात पे यकीन करेगी, इसीलिए तुम्हें एक गवाही देनी। गवाही? कैसी गवाही?